तो दोस्तों आज हम बनाएंगे प्याज और बेसन की रेसिपी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज के प्याज को इस तरीके से लंबे स्लाइस में काट लेंगे, पतले पतले काटेंगे। अब प्याज को हम डालेंगे एक बाउल में, साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसे हम अपने हाथों की मदद से नमक और प्याज को आपस में मिला लेंगे। हाथ की मदद से प्याज को इस तरीके से मसलते हुए मिलाएंगे ताकि इसके जो लेयर्स हैं वो खुल जाए, सारे प्याज अलग अलग हो जाए। तो यहाँ हमने नमक प्याज को मिला दिया है। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में हम 1 कप डालेंगे बेसन, आधा चम्मच डालेंगे नमक, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। पानी हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें पानी कितना लगेगा, और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये बेसन का घोल जो है तैयार हो चुका है, तो इसे हम ढक करके छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। अब चलेंगे हम गैस की ओर। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखा है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री, 1 बड़ी इलायची। डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन। ये बेसन का सब्जी है तो यहाँ हम अजवाइन का तड़का लगाएंगे। साथ ही में मैंने डाला है 1 चम्मच हींग। हींग से बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा, सब्जी का स्वाद जो है दुगना हो जाएगा। खड़े मसाले को फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 बड़े साइज़ के प्याज को रफली काट करके। प्याज को हमें 15 सेकेंड के लिए भून लेना है मीडियम हाई फ्लेम पे। प्याज अच्छे से भुना चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, तीनों को हमने पीस करके पेस्ट बना लिया है। अब इन सारे मसाले को हम डालेंगे कढ़ाई में और प्याज के साथ इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। इन्हें मिलाने के बाद अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 1 चम्मच भर करके डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे भुने जीरे का पाउडर, 1 चुटकी डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। अब सारे मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे इसे हम ढकते हुए 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मसाले के ऊपर जो है तेल रिलीज हो चुका है, मसाला जो है काफ़ी अच्छे से भुना चुके हैं, मसाले से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे हम 15 सेकेंड तक और हाई फ्लेम पे अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला तो एकदम हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है और ये रेसिपी भी बहुत ही कमाल की होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब मसाले में ऐड करेंगे हम पानी। मसाले काफ़ी अच्छे से भुना चुके हैं तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कप के करीब पानी। पानी की मात्रा यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्यों रखेंगे ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद एक बार फिर से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और ग्रेवी में 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तब तक हम बेसन को चेक कर लेते हैं। तो ये बेसन का घोल और भी गाढ़ा हो चुका है 5 मिनट के बाद, देख सकते हैं। तो ऐसा ही टेक्सचर बेसन का हमें चाहिए था। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स किया था तो ये काफ़ी स्मूथ बन के तैयार हुआ है। और इधर प्याज भी 5 मिनट बाद काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्याज को निचोड़ते हुए हमें अलग करना है क्योंकि इसमें हमने नमक डाला था, तो प्याज से काफ़ी सारी पानी जो है रिलीज़ हुआ है। तो अपनी हाथों की मदद से प्याज को इस तरीके से निचोड़ते जाएंगे और इसका पानी जो है साइड में निकालते जाएंगे, और जो प्याज है उसे हम बेसन का घोल में डालते जाएंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसे ही करके सारे प्याज से पानी को हमें निचोड़ करके निकाल लेना है। तो देख सकते हैं प्याज से कितना सारा पानी निकला हुआ है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब बेसन और प्याज को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो प्याज में हमने इसीलिए नमक डाला था ताकि प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए और उसमें से जितना पानी है वो बाहर निकल जाए। तो बेसन प्याज को हमने मिला लिया है। अब हमें ध्यान देना है उबलते हुए ग्रेवी में हम जिस तरीके से पकौड़ियाँ तलते हैं तो उसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए ग्रेवी में प्याज और बेसन की मिश्रण को डालते जाएंगे।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मिश्रण को हम लेते जाएंगे अपने हाथ की मदद से, उबलते हुए ग्रेवी में हम इस तरीके से डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, लो मत कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने सारे मिश्रण को डाल दिया है। अब इसे हम ढक करके मीडियम हाई फ्लेम पे 9 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ग्रेवी में नमक डालना भूल गई थी, तो मैं अभी ऊपर से नमक डाल दे रही हूँ, और साथ ही में डाल देंगे धनिया पत्ता। नमक मिलाएंगे तो साथ में धनिया पत्ता को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। बेसन और प्याज को 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं, ग्रेवी भी देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और बेसन प्याज ग्रेवी में काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो फाइनली प्याज बेसन की स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो चुका है। तो धनिया पत्ता डालने के बाद गैस को हमने बंद कर दिया है। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ बेसन प्याज का ये स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, मेरे घर में सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, सभी ने खूब तारीफ़ किया। तो एक बार आप भी इस तरीके से बेसन प्याज की सब्ज़ी बना कर देखिए, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना लजीज स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बन के तैयार हुआ है। गर्मा गर्म रोटी पूड़ी पराठे के साथ खाइए, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। और कभी भी आपको कुछ अलग सब्ज़ी खाने का मन करे तो इस तरीके से एक बार ज़रूर से बना कर देखिएगा, या फिर कोई मेहमान आने वाले हैं तो फिर ये बना कर देखिए, सभी आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। बिना बताइए कोई भी नहीं बता पाएगा कि इतना स्वादिष्ट बेसन प्याज का सब्ज़ी बना हुआ है। बड़े तो बड़े, छोटे भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो इसे मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। तो जब कभी भी आपके घर में हरी सब्ज़ियाँ ना हों या फिर समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो फिर ये रेसिपी बनानी तो बनती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये बेसन प्याज की स्वादिष्ट सब्जी का रेसिपी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और बनाएं। ऐसे ही नए हेल्दी एंड टेस्टी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं रोज़ाना आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाने का कोशिश करती हूँ। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए रेसिपी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।